एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ललिता मन्हास चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कर्टन, वो भी चूड़ियों से बना हुआ कर्टन जो मैं बनाऊंगी वो मेरे बचपन के खेल से रिलेटेड है। मैं बचपन में खेला करती थी उस तरह से चूड़ियों से, तो चूड़ियों को देख के एकदम से दिमाग में आया कि मैं इसका कर्टन बना सकती हूँ, तो उसी को लेके मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है। अपनी खिड़की के लिए, किचन की खिड़की के लिए मैंने ये कर्टन बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है, चलो मेरे साथ। ये देखिए मेरे पास कितनी रंग बिरंगी चूड़ियां हैं। ये सब कांच की चूड़ियां हैं जिन्हें मैं हर करवा चौथ पे खरीदती हूँ और एक या दो दिन पहनकर फिर अलमारी में रख देती हूँ। इसी तरह से करते करते हर साल खरीदने से मेरे पास काफी चूड़ियां इकट्ठी हो गई हैं और मेरी पहनने की आदत बहुत कम है। अलमारी साफ करते हुए जब इन्हें देखा तो बचपन का खेल याद आ गया, तो सोचा कुछ इससे बनाया जाए। उसी खेल को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इससे मैं कर्टन बना सकती हूँ। तो चलिए कैसे बनाऊंगी मैं ये कर्टन आपके साथ भी शेयर करती हूँ और अपना बचपन का खेल फिर से खेलती हूँ। ये सारी चूड़ियां मैंने थोड़ी धो ली हैं क्योंकि काफी टाइम से पड़ी थी, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी और हम पेंट करेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इनको सबको साबुन के पानी से धो लिया है, साफ कर लिया है। तो अब मैं बनाना शुरू करूंगी अपना प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम चूड़ियां ले लेंगे जिनसे हमने कर्टन बनाना है। इस तरह से जो आपके पास वेस्ट चूड़ियां हो वही लीजिए, जो आप यूज करते हैं उसका इस्तेमाल मत करिए। अब हमें इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू इक्वल पार्ट्स अप्रॉक्सीमेटली ही होगा क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं हम तोड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इसको एग्जैक्ट तोड़ें। तो सबसे पहले हम जो ज्वाइंट होता है वहां से तोड़ेंगे इसको। ये ज्वाइंट है मेरा, तो मैं इसको यहाँ से तोड़ूंगी इस तरह से, इसके साथ प्लेयर्स के साथ इसको प्रेस करूंगी, ये टूटेगा। अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैं इसको अप्रोक्सीमेटली यहां से तोड़ूंगी। तो यहां से तोड़ने के लिए आप इस तरह से करेंगे, ये टूट गया, ये अप्रोक्सीमेटली देखिए टू इक्वल पार्ट्स में थोड़ा सा फर्क है, टूट गया। इसी तरह से हम सारी चूड़ियां तोड़ लेंगे। सबसे पहले हम ज्वाइंट से ही तोड़ेंगे, वो एक तो वहां से आसान होगा तोड़ना, ये टूट गई। अब इसके नीचे से इस तरह से हम सारी चूड़ियां तोड़ लेंगे जितनी हमें चाहिए। ये पहले से ही टूटी है तो हम इसके नीचे से यहां से तोड़ लेंगे। ये भी टूटी हुई है पहले से ही, थोड़ा ध्यान से तोड़िए। हाथ में नहीं लगनी चाहिए इस तरह से। नीचे आप ऐसे प्लेट या कुछ ऐसी चीज रख लीजिए जिसमें छोटे छोटे टुकड़े अगर निकलते हैं उसकी चूड़ी के तो उसी में गिरे। बहुत सी चूड़ियां मेरी पहले से ही देखिए क्रैक्ड है, जहां से जॉइंट है वहां से टूट जाती हैं। जो नहीं टूटी है उसे हम तोड़ लेंगे। बच्चे इस तरह से चूड़ियां अकेले में ना तोड़ें, आपके पास अगर कोई टूटी चूड़ी है तो ही, और बच्चे ना ही करें तो अच्छा है, बड़ों के लिए है ये सिर्फ। और जो इस तरह से जैसे मेरी ये ऐसे टूट गई तो मैं इसका हाफ यूज कर लूंगी, यहां से तोड़ के मेरी वेस्ट हो गई। छोटी जो है उसको मैं यूज नहीं
नहीं करूंगी, ये मेरी वेस्ट होगी। इस तरह से हम सारी चूड़ियां तोड़ लेंगे। अब हमें चाहिए एक कैंडल जिसे हम जला लेंगे। और इससे अब बनाना शुरू करेंगे हम अपने कर्टन। कर्टन बनाने के लिए सबसे पहले हमने कैंडल को जला लिया है। अब ये जो हाफ पोर्शन है हमारा इसका पेंगल का, इसके सेंटर से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हम इसको हीट करेंगे यहाँ से सेंटर से। और जहां से आपने फोल्ड करना है उसको थोड़ी देर के लिए आग पे ही रहने देंगे, तभी फोल्ड होगा। अगर आप उसको हिलाते रहेंगे या जगह चेंज करते रहेंगे तो फोल्ड नहीं होगी आपकी बैंगल, क्योंकि उसको प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी फोल्ड होने के लिए। ये भी थोड़ी देर में फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। और ये हो गई है शुरू, देखिए फोल्ड होना शुरू हो गई चूड़ी। इसमें जब आप फोल्ड होने लगे तो आपने इसमें फोर्स बिल्कुल नहीं लगाना है इसको जोड़ने के लिए, ये अपने आप जुड़ेगी। आपने सिर्फ सपोर्ट देना है इसको, जोर से सपोर्ट देके, सॉरी फोर्स नहीं लगाना है जोड़ने के लिए, इस तरह से कसना नहीं है उसको। ये देखिए हो गई। ये थोड़ा सा जो बचा है ये, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर में नहीं हुआ है इसीलिए हो गया, तो इतना सा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे पीछे। अब हम नेक्स्ट इसमें कैसे जोड़ेंगे, और आपने ध्यान रखना है जहां से हमने हीट किया था यहाँ आपका हाथ नहीं लगना चाहिए, ये बहुत गर्म है, अगर जरा सा भी लग गया तो आपको जलना का डर रहेगा, तो इससे दूर रहना है। इस पोर्शन से, ये जो ब्लैक पोर्शन है, जो इतना इतना पोर्शन है, इसमें बिल्कुल टच ना करें। अब इसमें हम नेक्स्ट बैंगल हाफ पोर्शन जो है बैंगल का वो डाल के फिर से इसके नेक्स्ट वाले के सेंटर से इसको हीट करेंगे। अप्रोक्सीमेटली हम ले रहे हैं सेंटर, क्योंकि एग्जैक्ट हम नाप के नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और एक बार इसे बच्चे बिल्कुल भी ट्राई ना करें करने का, क्योंकि जो चूड़ी तोड़ने का है उसमें भी चोट लगने का डर है, और ये आग से फोल्ड होती है और आग से भी जलने का डर है, और चूड़ी जब गर्म होती है तो बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो उसमें भी आपको हर्ट होने का डर रहेगा। तो बच्चे तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें इसे। और इस तरह से ये देखिए हमारे सेकेंड जो है वो भी फोल्ड हो गया है, और मैंने चूड़ी के ऊपर चूड़ी चढ़ा देती हूँ, ये वाली चूड़ी के ऊपर ये वाला पोर्शन चढ़ा दिया, टच नहीं किया, ओवरलैप कर दिया उसको। इससे क्या होगा कि हमारी कड़ी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, इसमें से ये वाली कड़ी निकलेगी नहीं, अदरवाइज निकलने का डर रहेगा थोड़ा सा भी ढीला होगा तो। अब हम इसी तरह से करते हुए अब ये थर्ड वाली ले लेंगे और इसके सेंटर में करेंगे, और थोड़ी देर आग में रहने के बाद ये अपने आप फोल्ड होने लग जाएगी। और इस तरह से करते हुए पूरी हम लेंथ, जितनी हमें कर्टन की लेंथ चाहिए उतनी बनाते चले जाएंगे। और ये जहां से हीट हो रही है वहां से चूड़ी काली हो रही है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम थोड़ा सा साफ करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर पेंट करेंगे अपनी मनपसंद कलर से। अब नेक्स्ट इसी में हम और लगाएंगे, नेक्स्ट एक और डालेंगे और इसके सेंटर में। आपको इस तरह का प्रोजेक्ट यूट्यूब में बैंगल्स के साथ कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे बचपन का खेल है जो मैं खेलती थी, और मैंने बहुतों से पूछा क्या वो बचपन में ऐसा कुछ खेलते थे, किसी ने भी हाँ नहीं कहा, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम मेरे से सुना कि मैं कैसे खेलती थी चूड़ियों के साथ। ये देखिए नेक्स्ट, ये देखिए खुला रह गया है, अगर इस तरह से खुला रह जाएगा तो ये वाली चूड़ी इसमें से निकल जाएगी, तो इसको हमें बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना है। तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा हीट करके इसको जोड़ दूंगी, और इसी तरह से अगर मैं प्रेस करने की कोशिश करूंगी तो नहीं जुड़ेगा, हमें हीट करना ही पड़ेगा, हीट होने के बाद ही वो उसके साथ ज्वाइन होगा। ये गैप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज आपका कर्टन जो है वो टूट जाएगा। ये मैंने जोड़ दिया देखिए। अब इसमें नेक्स्ट बैंगल इस तरह से, जो आपकी वेस्ट बैंगल्स हैं आप उनसे बना सकते हैं इस तरह से, जरूरी नहीं आप कर्टन बनाएं, कोई भी शोपीस बना सकते हैं अपनी इमेजिनेशंस के साथ, कुछ भी बना सकते हैं।
मुझे यहाँ पे कर्टन की जरूरत थी तो मैंने सोचा चलो कर्टन बना देती हूँ और ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। बचपन की यादें जो हैं बहुत ही, उनको याद करके बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चूड़ियों से बना रही हूँ तो मुझे बचपन की याद आ रही है और मैं सबसे पूछ रही हूँ क्या तुम ऐसे खेलते थे, क्या आप ऐसे खेलते थे? सबने कहा नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा काम करती थी जैसे। अपने बचपन की बातें जब हम अपने बड़ों से सुनते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब अपने बच्चों को अपने उनके बचपन की बातें सुनाती हूँ तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत मजा आता है सुनकर, और फिर पूछते हैं हम कैसे करते थे, क्या करते थे। इसी तरह से हमें भी अपने बचपन की बातें बहुत सी याद आती हैं और सुनकर याद कर बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे अभी चूड़ियों से ये बर्टन बनाते हुए अपना बचपन याद आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है बनाने में मुझे, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने बचपन में पहुंच गई हूँ। इसी तरह से ये देखिए, इसी तरह से जितनी हमें लेंथ चाहिए हम बनाते चले जाएंगे और सारी जितनी लड़ियां हमें चाहिए उतनी हम बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ सारी की सारी। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी लड़ियां तैयार कर ली हैं कर्टन के लिए, और देखे सब रंग बिरंगी है क्योंकि एक रंग की चूड़ियां तो नहीं होती है, सब अलग अलग कलर की होती है, सब रंग बिरंगी है लेकिन हम इसे सबको एक रंग में रंग देंगे। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये स्प्रे पेंट गोल्डन कलर का, मैं इससे करूंगी और मैं पेंट करके फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने बैंगल्स को गोल्डन पेंट कर लिया है, अभी मैंने सिंगल कोट ही किया है, एक कोट और करूंगी। और इसके पीछे जो मैं पेपर लगा रही हूँ मैं ये वाला हैंडमेड पेपर है, मेरे पास पड़ा था, मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको खिड़की के नाप से काट के खिड़की के पहले ये वाला लगा लूंगी। तो मैं साथ ही कर लेती हूँ एक कोट और साथ में पेपर चिपका लेती हूँ अपनी खिड़की पे। मेरे पास ये मोल्डिंग पड़ी है, मैं सोच रही हूँ कि इसकी सहायता से मैं कर्टन लगाती हूँ बैंगल्स का, तो देखती हूँ मेरे से कटता है कि नहीं। मैं ये नाइफ से काट रही हूँ क्योंकि इसका आगे से जो है वो आरी जैसा है, तो कोशिश कर रही हूँ मैं इसे काटने की। मैंने नाप लिया है कितना मुझे चाहिए और मैं इसे काटूंगी। कट रहा है ये, मुझे बस इतना पीस चाहिए था, इसमें कील ऑलरेडी लगे हुए हैं। मैं इसको भी गोल्डन में पेंट कर लूंगी सेम कलर और इन्हीं कील से इसे अटैच कर दूंगी दीवार के साथ बीच में कर्टन्स की स्ट्रिंग्स लगा के। मैं पेंट कर लेती हूँ इसे। लड़ियों के एंड में मैंने लास्ट वाली कड़ी में तीन तीन कड़ियां डाली हैं। इस तरह से एक तो इसका देखने में सुंदर लगेगा और थोड़ा हैवीनेस हो जाएगी। इस तरह से मेरा कर्टन बैंगल्स का बनकर तैयार है। ऊपर मैंने मोल्डिंग लगाई है जिसे मैंने गोल्डन पेंट कर लिया है और बैंगल्स को भी मैंने गोल्डन पेंट कर लिया है। खिड़की में लगाना मुश्किल हो रहा था इसलिए मैंने दीवार पे ऊपर लगाया है और कीलों की मदद से मैंने अपना कर्टन टांगा है। और जो मैंने पीछे हैंडमेड शीट लगाई है वो मैंने ग्लूगन और सेलो टेप की मदद से लगाई है। इस तरह से मेरा कर्टन बिल्कुल तैयार हो गया है बनकर,
और लास्ट में मैंने तीन तीन कड़ियां लगाई हैं ताकि थोड़ी हैवीनेस रहे एक हर एक लड़ी में। लास्ट मोमेंट में मेरे दिमाग में आया कि मैं इसमें मिरर लगा दूं, तो मैंने इसमें मिरर्स भी लगा दिए। देखिए अब कैसा लग रहा है, अब मुझे लग रहा है पहले से भी बेटर लग रहा है। मिरर लगाने का पहले मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे जब मैंने पूरा कर्टन बन गया उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं मिरर लगाती हूँ तो शायद अच्छा लगेगा, और वाकई अच्छा लग रहा है। मिरर्स लगाने के बाद मुझे एक आइडिया और आ गया, तो मैंने सोचा कि जो मैंने हैंडमेड शीट लगा रखी है पीछे, इसके ऊपर कुछ पेस्ट किया जाए ताकि ये देखने में और सुंदर लगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कैटल्स का प्रिंटआउट निकाला और उनको ग्लॉसी लुक देने के लिए मैंने उसको फोटो पेजेस पे प्रिंट करवाया। इस तरह से दो प्रिंट आउट निकलवाए हैं, एक का फेस इधर है एक का उधर है, ताकि देखने में ये अच्छा लगे। इस तरह से मैं पीछे इसको पेस्ट कर दूंगी। उसके लिए मैं पहले काट लेती हूँ इनको, कट आउट निकाल लेती हूँ उनके, और उसके बाद हम पेस्ट करेंगे। मैंने कैटल्स के कट आउट निकाल के पेस्ट कर दिए हैं कर्टन के पीछे और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जब हम उसे करते हैं तो साथ ही साथ नए नए आइडियाज आते चले जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में सोचा था सिर्फ बैंगल से लड़ियां बनाकर मैं कर्टन बनाऊंगी, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मिरर्स लगाऊंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मिरर्स लगाने के बाद फिर से दिमाग में आया कि इसके पीछे कुछ पेस्ट किया जाए तो और सुंदर लगेगा। तो किचन का कर्टन है तो इसलिए मैंने कैटल सिलेक्ट की और मैंने इन्हें पेस्ट कर दिया, और वाकई ही ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी इसे ट्राई करिए और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।